लेकिन इस वक्त भारत में भी एक बड़ी तबाही देखने को मिल रही है और वो तबाही आसमानी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही हो गई। वहाँ बादल फटा और उसके बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा सैलाब आ गया। उस जगह पर TVN भारतवर्ष पहुँचा। अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, 19 लोग घायल हुए हैं इस तबाही में। तो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ ही नहीं बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ और दूसरे इलाके जहां पर बादल फटने की खबरें आई, जिनमें कई लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं और काफी नुकसान की खबर है। इस समय हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल रामबन डोडा, किश्तवाड़ रेंज के DIG। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से त्रासदी हुई है आज, क्या अपडेट है? क्योंकि हम देख रहे थे जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरीके से ऑपरेशन को आज लीड किया। एक्चुअली रात को 4 बजे को हमारा चौकी ऑफिसर और मैन पावर पहुँच गए उधर। सो इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू किया। सो साथ 17 लोगों को हमने बचा लिया, इंजर्ड लोगों को, और 7 डेड बॉडियों को हमने रिकवरी कर लिया। सर, व्हाट इज द मिसिंग नंबर? सो मिसिंग नंबर इट इज़ नाउ बिलीव टू बी 19। सो आगे पीछे भी हो सकता है, बिकॉज किसी को पता भी नहीं है कितना लोग घर में क्या है, क्या नहीं है, बाहर है या नहीं है। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ इट इज़ 19। क्या ये नंबर बढ़ सकता है? कंजर्वेटिवली 1 or 2 मोर और लेस सेम ही होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कौन कौन सी टीमें मौके पे मौजूद हैं? तो सुबह अर्ली आवर्स में हमारा पुलिस चौकी ऑफिसर और चले गए, और साथ SDRF का मेंबर्स भी चले गए। बाद में हम IRP का नफरी भी हम लेके गए थे। देन अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग आर्मी रीच्ड। सो ये सारे कोऑर्डिनेशन के साथ हमने ऑपरेशन कंटिन्यू किया। इस समय सिचुएशन क्या है सर वहाँ पे? इस समय में सिचुएशन क्या है कि उधर पूरा मडस्लेट्स है बेसिकली। सो वी आर सर्चिंग फॉर 19 पीपल। सो लेट अस होप, लेट अस प्रे टू गॉड दैट दे विल बी सेफ। लगातार आप ऑपरेशन कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंजर्ड्स को यहाँ पे लाया जा रहा है। हर कोई जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ कर रहा है कि किस तरीके से काम किया। एक प्राउड मूवमेंट भी समझते हैं इस समय कि आप सबसे पहले फ्रंट पे आए और काम करना शुरू किया। दिस लाइन ऑफ आवर ड्यूटी इट इज़ लाइक दैट। सो इनिशियली वी हैव सेंट आवर मैन पावर, एंड देन आई हैव सेंट माई SP ओवर देर, एंड आई एम स्टेशन ओवर हियर, एंड माई ADG जम्मू इज़ ऑल्सो मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटिंग, एंड ही इज़ ऑल्सो रीचिंग वेरी सून, एंड ही इज़ हियर ओनली। सो एंड DG ऑल्सो ब्रीफ्ड अस टू मेक ए कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट, कोऑर्डिनेट एक्शन, एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। एक आखिरी सवाल सर, रामबन डोडा किश्तवाड़ रेंज में लो लाइन एरियाज में क्या कुछ अलर्ट पुलिस की तरफ से जारी किया गया है? हम देख रहे थे कि किस तरीके से पुलिस अनाउंसमेंट्स भी कर रही है, लोगों को कह रही है कि आप चिनाब से थोड़ा दूर रहे। सो वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग अनाउंसमेंट्स। हम कल शाम 7 बजे से हमने शुरू किया, स्पेशली गुलाबगढ़ एरिया में, अथोली एरिया में, इवन इन डोडा ऑल्सो वी हैव मेड अनाउंसमेंट्स। बट सिंस दिस प्लेस इज फार ऑफ फ्रॉम दिस हेडक्वार्टर्स, एंड वी कुडंट एबल टू, एंड कनेक्शन इज ऑल्सो नॉट देयर, कनेक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट देयर। सो इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर दैट नेचर हैज डन दिस थिंग। थैंक यू सर, हमसे बात। थैंक यू। इस समय हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ AK शर्मा साहब। सर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं, इस समय क्या कुछ अपडेट है? देखें, आपने जस्ट देखा कि 3 जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं वो पर्सनली इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली डायरेक्शंस दे रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या हमारे होम सेक्रेटरी जो हैं वो कॉन्स्टेंटली DIPCOM साहब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ तक सवाल है, 17 इंजर्ड रिकवर हुए हैं, 7 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं अभी तक, और दिन में भी बारिश की वजह से कुछ देर हमें रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। हमारे सीनियर अफसर डिस्ट्रिक्ट के SSP साहब पर्सनली वहाँ स्पॉट पे फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, उनके साथ हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कंसर्न SDM, आर्मी की टीम और यहाँ लोकल SDRF की टीम वहाँ पहुँची हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।